बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ द लाहौर गैरिसन स्कूल। आई होप एंड प्रे दैट यू ऑल आर डूइंग गुड एंड स्पेंडिंग द ग्रेट टाइम एट होम विद योर फैमिली। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आर लेक्चर नंबर 39, दैट इज़ यूनिट 4, टॉम्स सोर टो, टॉम का पेनफुल टो। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट आर रीडिंग, दैट इज़ ऑन पेज नंबर 51 फ्रॉम लाइन नंबर 4 to 19. I forgive you all the bad things you have done to me, said Tom, still groaning. Forgive means stop feeling angry towards someone for a mistake. Forgive का मतलब होता है माफ कर देना। I forgive you, मैं तुम्हें माफ़ करता हूँ, all the bad things, वो तमाम बुरे काम, बुरी चीज़ें you have done to me, जो तुमने मेरे साथ किए, said Tom, Tom ने कहा, still groaning, लेकिन अभी भी वो करा रहा था। ओह Tom, Tom, please don't die, मरने की बात मत करो, Sid ran means भागा, downstairs, सीढ़ियों में नीचे की तरफ, and shouted और चिल्लाया, ओह Aunt Polly, Tom's dying। अब वो आंट पॉली को आवाज़ दे रहा है और कह रहा है कि टॉम इज़ डाइंग, टॉम मर रहा है। डाइंग, यस, कम क्विकली, प्लीज़ क्विकली, जल्दी से आएं, क्विकली मींस तेज़ी से, जल्दी से आएं। डोंट बी सिली, बेवकूफ़ मत बनो, आई डोंट बिलीव इट, बिलीव मींस ट्रस्ट और कंसिडर ट्रूथफुल, बिलीव का मतलब होता है यकीन करना, आई डोंट बिलीव इट, मैं तुम्हारी इस बात पर यकीन नहीं करती। बट शी रैन, लेकिन वो भागी, अपस्टेयर्स, सीढ़ियों में ऊपर की तरफ भागी, विद सिड के साथ, एंड मैरी, मैरी वॉज हिज कज़न, मैरी भी उसकी कज़न थी, सिड और मैरी दोनों के साथ वो स्टेयर्स पे ऊपर की तरफ भागी, क्लोज बिहाइंड हर, और ये दोनों बच्चे उनके पीछे थे। टॉम, व्हाट्स द मैटर विद यू, तुम्हारे साथ क्या मामला है, शी सेड, उन्होंने कहा, ओह आंटी, इट्स माई सोर टो। अब वो टॉम कह रहा है अपनी आंटी से, इट्स माई सोर टो, कि ये मेरे टो का दर्द है, टो मीन्स पाँव का अंगूठा, मेरे पाँव के अंगूठे में दर्द है, इट्स डेड, ये मर चुका है। ओह टॉम, व्हाट अ फ्राइट यू गेव मी, फ्राइट मीन्स अ सडन इंटेंस फीलिंग ऑफ फियर, फ्राइट का मतलब होता है डर या खौफ में मुब्तला हो जाना, व्हाट अ फ्राइट यू गेव मी, तुमने मुझे डरा दिया है। नेक्स्ट, नाउ स्टॉप दिस नॉइस, ये शोर बंद करो, एंड गेट आउट ऑफ बेड, और बेड से नीचे उतर आओ, आंट पॉली, इट सीम्ड डेड, अब टॉम कह रहा है अपनी आंटी से, इट सीम्ड डेड, कि ये डेड हुआ हुआ मुझे महसूस हो रहा है, एंड इट हर्ट सो मच, और इसने मुझे इतनी तकलीफ़ दी है, दैट आई इवन फॉरगॉट, कि मैं भूल चुका हूँ अबाउट माई सोर टूथ, कि मैं अपने दांत का दर्द भूल चुका हूँ, रिप्लाइड टॉम, टॉम ने जवाब दिया, रिप्लाइड इज़ द सेकेंड फॉर्म ऑफ रिप्लाई, अगेन पास्ट टेंस एंड सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब। योर टूथ, तुम्हारा दांत, व्हाट्स द मैटर विद योर टूथ, तुम्हारे दांत के साथ क्या मामला है, इट्स लूज, ये लूज है, एंड इट हर्ट्स, और ये मुझे तकलीफ़ देता है, लूज मीन्स ये हिल रहा है और ये मुझे तकलीफ़ देता है। नेक्स्ट, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, और क्वेश्चन नंबर 3 इज़, व्हाट वॉज द मैटर विद टॉम्स टूथ, टॉम के दांत के साथ क्या मामला था, एंड द आंसर इज दैट टॉम्स टूथ वॉज लूज, टॉम का दांत हिल रहा था, लूज था। Dear students, I hope all of you have understood this lecture very well. Learn it at home, stay blessed, be happy. Thank you and Allah Hafiz.